स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी गुड। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार प्लास्टिड को रिवाइज कर लेते हैं। जनरली ये सबको पता है कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड क्या होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, राइट। तो प्लास्टिड जो होते हैं, एक तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, राइट। जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड बाय ए मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मा। जो ये एक मटेरियल, लिक्विड मटेरियल को इनक्लोज करता है, जिसे हम कहते हैं ये क्या है, स्ट्रोमा, राइट। इनसाइड द स्ट्रोमा मेनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ग्लैंड्स, राइट। इसी स्ट्रोमा में बहुत सारे सिक्के की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स। ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में था। द प्लास्टिड आर मेजरली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, विच इज आल्सो नोन एज कलरलेस प्लास्टिड, एंड सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, विच इज आल्सो नोन एज कलर्ड प्लास्टिक, कलर्ड प्लास्टिड, राइट। मेजरली जो प्लास्टिड है वो टू कैटेगरी में क्लासिफाइड है, एक ल्यूकोप्लास्ट एंड एक ये आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स ये होता है कलर को प्रोड्यूस करने, राइट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो तो कलरलेस है, उसमें कोई भी कलर नहीं होगा, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है ये बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, एक में भी ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दोस क्रोमोप्लास्ट या दोस कलर प्लास्टिक, दोस कलर्ड प्लास्टिक और क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट, और इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, राइट। दोस क्रोमोप्लास्ट या फिर दोस कलर्ड प्लास्टिड विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, राइट। इसी क्रोमोप्लास्ट में जो बहुत सारे कलर को प्रोड्यूस करने वाले आपके प्लास्टिड है, उसी में से कुछ ऐसे प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर पिगमेंट यानी क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, उसे हम कहते हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है या जो ग्रीन कलर जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करता है, इसके साथ बहुत सारे ऑरेंज एंड येलो कलर के पिगमेंट भी एसोसिएटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सम केसेस में ऐसा होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है जो ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करता है, उसके साथ कुछ येलो या फिर ऑरेंज कलर के पिगमेंट जुड़ जाते हैं, राइट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट वही है जो क्या करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, राइट। और दीज क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल्स बिकॉज फूड प्रिपेयर इन दिस सेल ऑर्गेनल्स। जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो इसी सेल ऑर्गेनल्स में होता है, इसीलिए ये क्या है, किचन है सेल का, खाना यहीं पर बनता है, राइट। फंक्शन क्या है, पहला तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है स्टोरेज। ये क्या करता है, स्टोर करता है सब्सटेंसेस को, ऑयल्स हैं या फिर बहुत सारे स्टार्च हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। इसका काम क्या है, स्टोरेज, राइट। और दूसरा क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फूड प्रिपरेशन का। ये क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है बाय फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, फूड का प्रिपरेशन करता है। ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैक्यूल्स। आज के हम इस वीडियो में वैक्यूल्स डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिकॉल था। तो व्हाट इज वैक्यूल, वैक्यूल आर स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ सेल्स। ये क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मौजूद होती है, और ये कैसी होती है, स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन लिक्विड और सॉलिड,
सबस्टांसेस जो लिक्विड को भी और सॉलिड सबस्टांसेस को कंटेन करती है। आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज वैक्यूल, वैक्यूल आर स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। द वैक्यूल्स इन द केस ऑफ प्लांट वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज बट इन द केस ऑफ एनिमल्स वैक्यूल आर सो स्मॉल, राइट। तो जो प्लांट के केस में वैक्यूल्स होती है वो बहुत ही लार्ज होती है, राइट। कभी कभी क्या होता है, सम प्लांट वैक्यूल्स जो कुछ केस में कुछ प्लांट में वैक्यूल्स क्या करती है, सेल का नियर अबाउट 50 to 90% वॉल्यूम को कवर कर लेती है। मीन्स दैट अगर ये सेल आपकी है, प्लांट की कोई सेल्स है, इसमें आपका 50 to 90% जो वॉल्यूम है, नियर अबाउट इतना वॉल्यूम है, वो उसमें क्या होगी, वैक्यूल्स होगी, राइट। और जो आपका रिमेन्स वॉल्यूम बचता है वो आप उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, माइटोकांड्रिया हो सकता है, प्लांट बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे। लेकिन जो प्लांट के केस में जो वैक्यूल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, नियर अबाउट वो सेल का 50 to 90% वॉल्यूम को कवर करती है, राइट। सो ये जो वैक्यूल्स इतनी लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है प्लांट में, इसका फंक्शन क्या होता है? तो जनरली जो वैक्यूल्स है प्लांट में, प्लांट वैक्यूल कंटेन वाटर एंड सेल सैप। प्लांट के केस में क्या होता है, वैक्यूल्स में क्या होते हैं, वाटर एंड सेल सैप होता है विच प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल, जो सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसे टर्जिडिटी मतलब जब भी कोई सेल स्वेलअप होगी, सपोज दिस इज अ सेल, राइट, ये क्या है, इसमें वाटर फिल है, वाटर फिल हो गया तो ये क्या होगी, स्वेलअप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये इसकी वॉल पर क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, राइट, प्रेशर लगाएंगे, तो ये क्या होगी, फुली स्वेलअप हो जाएगी, यानी फुली टर्जिड हो जाएगी, क्लियर। तो प्लांट क्या होता है, प्लांट वैक्यूल्स में वाटर एंड सेल सैप भी होता है जो प्लांट को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, राइट। इसके अलावा वैक्यूल्स आर कंटेन सम इम्पॉर्टेंट सबस्टांसेस, सेल सैप एंड वाटर के अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट सबस्टांसेस होते हैं वैक्यूल्स के अंदर। और वो सबस्टांसेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, इस तरीके से जो प्लांट में सेल है उसमें वाटर एंड सेल सैप के अलावा अदर सबस्टांसेस होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब उसमें फिल होते हैं। और जब सेल, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स को इसकी जरूरत होती है, फिर सेल को इसकी जरूरत होती है सबस्टांसेस की, तो वैक्यूल से वो ले लेता है, राइट। तो दो फंक्शन है, एक तो क्या है, वैक्यूल्स आर ऑल्सो कंटेन सम इम्पोर्टेंट सबस्टांसेस लाइक अमीनो एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, और सेकेंड है प्लांट वैक्यूल्स कंटेन वाटर एंड सेल सैप विच प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल्स। ये प्लांट के केस में हो गया। इन द केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, इन द केस ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। इन द केस ऑफ अमीबा फूड इंगर थ्रो एंडोसाइटोसिस, अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस के थ्रू इंटर करता है। ये फूड पार्टिकल्स है, राइट, इसको क्या करेगा, इंटेक कर लेगा, इंगर कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, राइट, ये आपने पढ़ लिया है। तो अब ये जब फूड पार्टिकल इसकी बॉडी में इंटर कर जाएंगे, राइट, अमीबा की बॉडी में इंटर कर जाएंगे, तो ये कहां पर जाएंगे, तो ये कहां जाएंगे, फूड वैक्यूल्स में। ये फूड पार्टिकल्स कहां पर इंटर कर जाएगा, फूड वैक्यूल्स में, और इसी फूड वैक्यूल्स में इस फूड का डाइजेशन होगा,
क्लियर। तो अमीबा के केस में द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम, राइट, इन द केस ऑफ अमीबा, अमीबा में क्या होता है, फूड वैक्यूल में फूड आइटम का कंटेन करती है और यहीं पर फूड का डाइजेशन हो जाता है। और सम अदर प्रोटोजोअन जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सब में क्या होती है, एक अनदर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होती है विच इज आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा और पैरामीशियम है, इन सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक तो फूड वैक्यूल होती है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, और एक अनदर स्पेशल वैक्यूल्स होती है विच इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन होता है, राइट, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसमें हमारी तरह किडनी नहीं होती है, अमीबा एंड पैरामीशियम में किडनी थोड़ी ना होती एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होता है। फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल्स करती है और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्सक्रीशन होता है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये था वैक्यूल्स के बारे में कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल, राइट। इन द केस ऑफ प्लांट वैक्यूल्स कंटेन वाटर, सेल सैप एंड अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड सॉलिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल्स। एंड इन द केस ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, दे हैव फूड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल क्या है, आपकी जो सेल है, चैप्टर आपका सेल, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपने इस चैप्टर को खत्म करने के बाद ये चीज देखी होगी कि ईच सेल हैज स्पेशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर सेल के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर क्या करता है, सेल को हर तरीके के फंक्शन करने के लिए एबल बनाता है। सेल हर तरीके का फंक्शन कर सकती है, सेल में रिस्पायरेशन हो सकता है, सेल में न्यूट्रिशन होता है, सेल में रिस्पायरेशन होता है, सेल में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है, राइट। जैसे कि हमारी सेल से क्या होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है, राइट। तो ये सारी प्रोसेस एक ही सेल्स में होती है, क्योंकि उस सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और उसकी मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से सेल हर तरीके के फंक्शन करने के लिए कैपेबल है। तो हम देख सकते हैं कि हर तरीके की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है, या सेल को की टर्जिडिटी प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है, या फिर सेल को क्लीन करने की जो कैपेसिटी है, या सेल में जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं उनको ट्रांसफर भी करने में, हर तरीके के फंक्शन करने में सेल क्या है, एबल है ड्यू टू इट्स स्पेशल स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए कहा गया है कि सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, राइट। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें हर तरीके की ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन ए सेल। सो दैट्स व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस चैप्टर इज ओवर, ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया आपका। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सेंड कर देंगे, एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल एंड राइट ऑल टाइप्स ऑफ दी सेल ऑर्गेनल। मतलब कौन सेल ऑर्गेनल को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब इसके टाइप जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अलावा पूछा दो क्वेश्चन एक ही में, राइट आर टाइप्स ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल्स और उसके टाइप्स को भी बताना है। तो पहले का आंसर हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड का आंसर हो गया आपका कि
दिस इज आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट एंड अदर इज क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद बता दीजिए कि दोस क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो लिखना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट राइट और सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। क्लियर। उसके बाद लिख देंगे दोस क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्यूल एंड देयर फंक्शन। वैक्यूल क्या है, उसका फंक्शन क्या है? तो वैक्यूल इज ए स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन वाटर सेल सैप एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस राइट। उसके बाद फंक्शन में क्या लिखना है कि वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल्स एंड सर्टेन एनिमल्स। वैक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट कैन डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स इन अमीबा एंड वैक्यूल्स हेल्प द एक्सक्रीशन प्रोसेस इन द केस ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम राइट। थर्ड क्वेश्चन इज कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स विच हैव स्टडीड देयर ओन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये ऐसे टू ऑर्गेनल्स हैं जिसमें खुद का डीएनए एंड प्रोटीन होती है। खुद का डीएनए मतलब उसके पास जेनेटिक मटेरियल्स है और प्रोटीन सिंथेसाइज होती है यानी उसके पास खुद का राइबोसोम है जो उसी में प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को प्रोटीन को लेने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जरूरत नहीं है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन नहीं लेगा, ये खुद सिंथेसाइज कर लेगा। अगर इसको जरूरत है तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, उनके पास राइबोसोम है, ये खुद ही प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेंगे बिकॉज राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। वो प्रोटीन की फैक्ट्री है राइट। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नेम द टू सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये टू क्या है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है। क्यों है? क्योंकि दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्योंकि इसके पास ओन डीएनए एंड राइबोसोम होता है। तो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो सिंपली पूछ ले नेम द टू सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। या भी पूछ सकता है कैन यू नेम टू ऑर्गेनल्स विच हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। दोनों क्वेश्चन एक ही है राइट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस। अगर किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी सेल है राइट, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए राइट, तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस द लाइसोसोम में ब्रस्ट। क्या होगी आपकी लाइसोसोम, क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी और क्या करेगी, द एंजाइम डाइजेस्ट में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो लाइसोसोम की जो सैक है वो ब्रस्ट हो जाएंगी और उसमें जो एंजाइम है पावरफुल वो डाइजेस्ट कर लेगा देयर ओन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग। सॉरी, इससे पहले का क्वेश्चन है व्हाई लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग। इसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्यों इसे सुसाइड बैग हम कहते हैं? तो सेम आंसर होगा, दोनों का आंसर नियर अबाउट सेम ही है, बस थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस है। When the cell damaged due to some disturbance, दोनों का आंसर एक ही है। When the cell damaged due to some disturbance, the lysosome may burst, right? The lysosome may burst and enzyme digest their own cell. Therefore, lysosome is also known as suicide bag. दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है।
क्या होगा जब सेल कॉलोनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, वही होगा कि लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगी और उसमें जो एंजाइम होंगे वो देयर ओन सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। और इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैच, तो यही रीजन है व्हेन द सेल डैमेज ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस द लाइसोसोम मे ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इन साइड द सेल, प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होती है सेल में, आपका आंसर होगा ER। सेल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो ER में होती है, ER में कहाँ पर होती है, आर ई आर। तो आपका सिंपली आंसर होगा ER, राइट। आपका आंसर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस चैप्टर इज ओवर, आपको ये क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे आज के लिए। थैंक यू।